Hello everyone, good morning Standard 3rd. Today we will complete our 4th chapter and then we will also learn our 5th chapter. So we will discuss the incomplete exercise of this chapter. Let's begin. देखो वर्ड बिल्डिंग, हमने लास्ट लेक्चर में जो वर्ड बनाने की जो एक्टिविटी थी वो डिस्कस की थी और आपको HW भी दिया था। आई होप आप सबने वो कंप्लीट कर लिया है और अपने पेरेंट्स को भी दिखाया है। उसमें आपको जो आपका फेवरेट वर्ड है उसका पिक्चर ड्रॉ करना था और उसमें कलर भरने थे। फिर हमने जो वर्ड बनाने की एक्टिविटी देखी थी, आज सिर्फ दो एक्सरसाइज है वो छूट चुकी है, वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। राइट डाउन द सूटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर्स, पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यानी कि देखो यहाँ हमें ये जो पिक्चर है उसको पिक्चर्स को देख के पिक्चर के लिए कौन से अप्रोप्रिएट वर्ड्स है वो हमें लिखने हैं। फॉर दिस हेल्प बॉक्स, यहाँ जो हेल्प बॉक्स है उसकी वजह से। तो देखो फर्स्ट जो पिक्चर है वो वुमन है, तो वुमन है वो थोड़ी दिखने में थोड़ी सी मोटी हमें दिखती है, फैट है। तो यहाँ देखो यहाँ जो वर्ड्स है फैट, तो हम लिखेंगे अ फैट वुमन। फिर है रोज़ का पिक्चर है और उसका जो कलर है वो रेड है, इसके लिए यहाँ लिखेंगे अ रेड रोज। फिर है देखो ये लड़का है, वो मुस्कुराता हुआ बहुत ही हैप्पी दिखता है, बहुत ही खुश लगता है। तो देखो यहाँ है हैप्पी, तो यहाँ हम लिखेंगे अ हैप्पी बॉय। फिर है ये पिकॉक है, मोर है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। तो यहाँ है ब्यूटीफुल, तो हम लिखेंगे अ ब्यूटीफुल पिकॉक, अ ब्यूटीफुल पिकॉक। देखो ये जो बर्ड है जिसका कलर है ब्लैक, ब्लैक बर्ड, तो देखो यहाँ है ब्लैक, तो यहाँ हम लिखेंगे अ ब्लैक बर्ड। फिर है ये आदमी है, वो दो थोड़ा सा हमें दिखने में ऊंचा दिखता है, बहुत ही ऊंचा है, टॉल है। तो यहाँ है देखो टॉल कहाँ गया, यहाँ रहा टॉल, तो यहाँ हम लिखेंगे अ टॉल मैन। तो हमें पिक्चर को देख के जो वर्ड्स जो अप्रोप्रिएट थे वो हमें लिखने थे। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, अ फैट वुमेन, अ रेड रोज, अ हैप्पी बॉय, अ ब्यूटीफुल पिकॉक, अ ब्लैक बोर्ड एंड अ टॉल मैन। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, नाउ डिस्क्राइब दीज पिक्चर्स इन योर ऑन लैंग्वेजेस। अब क्या करना है आपके लिए है, सिर्फ आपको सोचना है और कुछ नहीं करना है। आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्या लिखोगे, तो चलो मैं ही बता देती हूँ। हिंदी में हम कहेंगे मोटी लड़की या स्त्री, यहाँ हम कहेंगे लाल गुलाब, यहाँ हम लेंगे खुश लड़का, सुंदर मोर, काला बोर्ड और ऊंचा आदमी। तो ये हमने हमारी लैंग्वेज में कहा, हिंदी में कह दिया कि मोर बहुत सुंदर है, बोर्ड है वो काला है, आदमी है वो ऊंचा है, स्त्री है थोड़ी सी मोटी है, जो रोज़ है वो लाल रंग का है, और जो बॉय है जो लड़का है वो बड़ा खुश दिखता है। तो यहाँ भी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब है सी अलाउड। Say aloud, जैसा मैंने कहा था कि हम इन द एंड ऑफ द चैप्टर ये एक्सरसाइज होती है। हमें पता है कि जो रीडिंग है उसके जो दो टाइप है, साइलेंट रीडिंग और दूसरा है लाउड रीडिंग। तो हमें क्या करना है, say aloud यानी कि जो वर्ड्स है उसको लाउडली स्पीक करना है, सिर्फ आप भी करना साथ में। स्पॉयल, स्पैरो, स्कूल,
स्कर्ट, स्कॉल्ड, स्पॉट, स्पीक, स्कॉट, स्किप एंड स्किन। देखो एस से स्टार्ट होते हैं स्पॉइल, यानी कि बिगाड़ देना, स्पैरो चिड़िया, स्कूल सबको पता है, स्कर्ट जो लड़कियां ज़्यादातर पहनती है, स्कॉल्ड यानी कि डांटना, स्कॉल, स्पोर्ट यानी कि कोई खेल, स्पीक यानी कि बोलना, स्कॉट का पता है, स्किप यानी कि छोड़ देना, इसको चलो हम स्किप करते हैं ऐसा कहते हैं यानी कि इसको छोड़ देना, और स्किन यानी कि हमारी जो स्किन होती है बॉडी की वो स्किन। तो फिर से हम एक बार लाउड रीडिंग करते हैं, स्पॉइल, स्पैरो, स्कूल, स्कर्ट, स्कॉल्ड, स्पॉट, स्पीक, स्कॉट, स्किप एंड स्किन। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एज वेल एज चैप्टर भी कंप्लीट होता है। चैप्टर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, फिर आपको अपनी वर्कबुक में अच्छे हैंडराइटिंग के साथ लिखना है और इस चैप्टर को भी रीड करना है। और यहाँ हमारा जो यूनिट 2 है वो तो कंप्लीट होता ही है, और चैप्टर 4 थे वो भी कंप्लीट होता है। अब हम यूनिट 3 और जो चैप्टर 5 है, जो पोयम है लिटिल बाय लिटिल, उसको पढ़ेंगे। देखो जो चैप्टर 5 है वो एक पोयम है लिटिल बाय लिटिल, यूनिट 3 चैप्टर 5 पोयम लिटिल बाय लिटिल। ये पोयम का नाम है, देखते हैं क्या है। पहले तो सिर्फ हम पोयम है उसको रीड करेंगे। इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टाइनी सीड्स, रीड अबाउट हाउ द लिटिल अकॉर्न ग्रू अ बिग। देखो क्या कहा, इवन द बिगेस्ट ट्री यानी कि जो बड़े बड़े पेड़ है, बिगेस्ट ट्री, लाइफ एज टाइनी सीड्स यानी कि जो लाइफ है वो छोटे से सीड्स बीज की तरह है, रीड अबाउट द हाउ द लिटिल कॉर्न अकॉर्न ग्रू बिग। तो यहाँ इस पोयम किसके बारे में है कि जो लिटिल कॉर्न है वो कैसे बड़ा होता है, मोटा होता है उसकी तरह। तो पहले तो हम पोयम को रीड करेंगे, फिर इस पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल एंड अ कॉर्न सीड एज इट्स स्लोली स्नेक इन इट्स मॉसी बेड, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे, लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। फर्स्ट स्टांजा। सेकेंड, डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक अ रूट, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, little by little the leaves appear and the slender branches spread far and wide till the mighty oak is the forest pride, and the slender branches spread far and wide and the little mighty oak is the forest pride। To ye hai jo humne pehle poem hai uska पोयम है जो हमने उसका रीडिंग किया। आपको भी पहले इस पोयम को 2-3 बार सिर्फ रीड करना है। तो हमने देखा लिटिल बाय लिटिल में हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक छोटा सा ट्री है और वो बड़ा होता है, और कौन है वो यानी कि ये पेड़ है शायद, देखो इस पेड़ है वो बहुत ही, उसका सीड्स है बीज बहुत ही छोटा है, फिर वो बड़ा होता है और क्या कहता है लिटिल बाय लिटिल उसके बारे में है। तो आपको पहले मैंने जैसे पोयम रीड की उसकी तरह आपको पहले पोयम रीड करनी है, और फिर है उसके जो हार्ड वर्ड्स है उसमें इसको भी समझना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में ये जो 5th चैप्टर है लिटिल बाय लिटिल
उसका हम लाइन वाइज एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। तब तक आप अगले चैप्टर को पढ़ना और इस पोएम को रीड करना। सो टिल हैव अ नाइस डे टू ऑल। गुड बाय।